तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपला उपली बड़ी का पूरा जो स्कूल है वो आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव 15 अगस्त जो है एक दिन पहले ही अंकित इस संस्थान में धूमधाम से जो है मनाई है। लगातार 4 वर्षों से बच्चों के शिक्षा वर्धन के लिए लगातार काम कर रहा है और कल जैसा कि 15 अगस्त की तैयारी है, लगातार तैयारी हो रही है, कलर हो चुका है। और सर से हम बात करेंगे, सर किस प्रकार की ये विद्यार्थी परिषद मिलकर बच्चों की भविष्य को उज्ज्वल बना, आप क्या सोचते हैं? ये बच्चों के लिए विगत 4 ईयर से ये बच्चों को संडे आते हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं और MLSU वगैरह अलग अलग कॉलेज का इनका ग्रुप बना हुआ है। तो मुझे 4 दिन पहले बताया सर एजुकेशन में और ये इस तरह की मूवीज़ वगैरह बच्चों के शिक्षा वर्धन की मूवीज़ बताएंगे और एक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम करना है, एक दिन पहले करना है। तो इन्होंने मुझे निवेदन किया था, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अगर इतने काम कर रहे हैं तो अच्छे ही कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में बहुत कुछ ये संस्था दे रही है और बच्चों में इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें, आपकी जो अंकिति संस्थान है अभी एक फेडरेशन है, एक ग्रुप है और सभी मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में, बच्चों के शिक्षा वर्धन के लिए, बच्चों को सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना, क्या बच्चों को अलग एक्टिविटी भी करा रहे हैं ये जो इनके लिए ज़रूरी है? अलग खेलकूद वगैरह कराते हैं, पोएम्स वगैरह सिखाते हैं और जनरल जो सामान्य जानकारी होती है वो जानकारी भी इनके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, पूरे ग्रुप द्वारा दी जाती है। संडे को इनको समय मिलता है, बाकी समय में इनको स्टडी वगैरह करते हैं, सभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, इस कारण से अन्य दिनों में नहीं आ पाते हैं, केवल संडे को आते हैं, पूरा ग्रुप आता है और अलग अलग ग्रुप बना के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में ये एजुकेशन से संबंधित ही इनको शिक्षा प्रदान करते हैं और इनको सबको लाभान्वित करते हैं और समय समय पर इनके द्वारा वो बहुत बार कंपटीशन होता है, पारितोषिक भी देते हैं। इस तरह से इस संस्थान विगत 3-4 ईयर से कार्य कर रही और अच्छा कार्य कर रही, अभी बच्चों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। अभी जब बच्चों से बात की गई थी तो ये बता रहे हैं कि अपने जेब का पैसा खर्च करते हैं, अभी इनके पास कोई डोनेशन फंड नहीं है। ये संस्थान कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह से कोई हेल्प किसी से नहीं लेते हैं, जो स्टूडेंट है अपने जेब से पैसा खर्च करके, पूरा ग्रुप जो बना हुआ है अपने जेब से कलेक्शन करके ये बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। पूरे भारत में अगर देखें तो इस तरीके की व्यवस्थाएं कई कई है, जैसे रोटरी क्लब ने अपना स्कूल गोद ले रखा है, वो अपने फेडरेशन से करते हैं, लेकिन आप कितनी बड़ी बात और आप अपने आप को कितने भाग्यशाली समझे कि आपके यहाँ पर इतने विद्यार्थी जो MLSU के हैं और तमाम डिग्रियों वाले जो विद्यार्थी आपकी अपनी अपनी पंचायत में, अपने स्कूल के अंदर है, कितने सौभाग्य की बात समझते हैं? ये देखो, बच्चों का भाग्य है और बच्चे इनसे विगत कई समय से जुड़े हुए हैं, इनका जुड़ाव है, बाकी अभी समय किसी के पास में नहीं। फिर ये इन बच्चों को ये ज़रूर पता है कि हमसे कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातें वगैरह वगैरह निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, इसलिए ये बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं और ये बच्चे आ जाते हैं। वास्तव में हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो विद्यार्थी परिषद के जो बच्चे हैं, आप देखें कि ये सभी मिलकर संडे का जहाँ लोग सेलिब्रेट करते हैं, घूमने जाते हैं, ये अपना एंजॉय, अपनी मस्ती सभी इन बच्चों के साथ समर्पित कर दिए, इस देश के नाम समर्पित किया है। और आप देखें कि आज बच्चों के लिए सुंदर खीर की व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था बच्चों इनके अपने तरफ से की गई है, यानी अगर ये व्यवस्थाएं अगर विद्यार्थी परिषद और देश का हर एक नागरिक संभाले और इसको अगर वास्तव में संरक्षण करे तो देश का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहेगा, कोई भी बच्चा यतीम न रहेगा, कोई भी बच्चा किसी योजना से या किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रहेगा जिस जो उसके जीवन में उपयोगी है, आवश्यकता है। तो आप देखें कि ये सभी व्यवस्थाएं इन बच्चों ने मिलकर अपने निजी फंड से एक फेडरेशन बनाकर और कितना सुंदर काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार से हर एक नागरिक को इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। तो उदयपुर शहर से, उदयपुर ज़िले से, ग्राम पंचायत आप बड़ी और तहसील बड़गांव से ये सीधी खबर निकल रही है, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपली बड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं इस स्कूल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि
हमारे युवाओं ने, एक विद्यार्थी युवाओं ने इस कबान को संभाला है। लगातार 4 वर्षों से बच्चों के बीच में है, लगातार 4 वर्षों से बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा दीक्षा सांस्कृतिक संरचना खेल कूद प्रतियोगिता हर एक कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उसके लिए आप सभी विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके एक देश हित में आप काम कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है कि आप देखो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक जी सभी, संडे के दिन होता है और संडे के दिन एक ही दिन मिलता है परिवार के साथ रहने का, लेकिन आपने इस एक दिन नहीं, मुझे तो लगता है कि आपने पूरा संडे पूरा इस राष्ट्र के नाम कर दिया है, इन बच्चों के नाम कर दिया है। संडे के दिन जब कभी ऐसे बच्चों का कार्यक्रम होता है तो निश्चित तौर से मैं उपस्थित रहता हूँ, क्योंकि उसमें हमारा सहयोग बहुत जरूरी अपेक्षित है। इनको हर तरह की सुविधा देना, वो देना, अगर हमारा जुड़ाव रहेगा तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और बच्चों की जो उनका रहन है, सहन है, खान पान है, बहुत सारे विचार, उनसे हम अधिक अवगत रहते हैं। तो संस्था वाले भी अवगत रहते हैं मगर उनसे अधिक जुड़ाव हमारा रहता है। इस कारण से मुझे रविवार होते हुए भी इन बच्चों के लिए देश हित में समय देना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आ गया। मेरा सब काम छोड़ करके कहीं मुझे जाना था, रिश्तेदार में जाना था और कहीं भी जाना था, कार्य सब छोड़ करके मैं संडे के दिन भी यहाँ आया हूँ। तो मुझे अच्छा लगा है इस तरह से, अगर अन्य विद्यालयों में भी अगर संडे के दिन भी अगर संस्था प्रधान अगर मॉनिटर अच्छा काम करे तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। घोड़ा कहते हैं, घोड़ा वही प्रथम आता है जिसका सवार अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। और विद्यालय में वही विद्यालय अच्छा चलता है और बच्चे निखरते हैं जहाँ पर जो है मुखिया अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर खबर, बहुत ही संदेश दे रही है जागृति का, देश को और दुनिया को संदेश दे रही है ये स्कूल की खबर। देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर एक नागरिक के मन में राष्ट्र भावना उत्पन्न हो सके, ऐसी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय उदयपुर।